ये नीचे पूरा है धारचूला शहर और नदी के उस पार है दारचूला। दारचूला आता है नेपाल में और धारचूला आता है इंडिया में, और बीच में जो नदी बह रही है यह है काली नदी। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, अभी सनसेट हो रहा है और जबरदस्त व्यू आ रहा है। तो नारायण आश्रम से सक्सेसफुल जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँच चुके अपने होटल में। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दिव्यांश और मेरा, वो है दारचूला नेपाल जाने का। जो यहाँ पर एक पुल है रिवर काली नदी के ऊपर, इसे क्रॉस करके हम लोग जाएंगे दारचूला नेपाल की मार्केट और देखेंगे कि कुछ हमको अच्छा मिले तो वहाँ से हम खरीद के लेके आएंगे, वरना देखा एक्सप्लोर तो करना ही है उसको। चलते हैं दारचूला नेपाल। तो अभी खड़ा हूँ मैं धारचूला में, आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इंडिया को नेपाल से। ये ब्रिज सुबह 6:30 बजे खुलता है और शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। इंडिया की ओर से इंडियन आर्मी लगी रहती है, उधर से नेपाल पुलिस, दोनों साइड से बराबर चेकिंग होती है आने जाने वाले लोगों की। और जो पुल की फोटोकॉपी है और वीडियोकॉपी है वो प्रोहिबिटेड है, इसलिए मैं इसे ऊपर से बना रहा हूँ, नीचे जाके आप नहीं बना सकते इसका वीडियो। तो अब देखते हैं यहाँ से नेपाल का नज़ारा, नेपाल मार्केट जाते हैं और वहाँ जा देखते हैं कि क्या क्या वहाँ है एक्सप्लोर करने के लिए। वेलकम टू नेपाल, यहाँ पे लिखा हुआ है, आज की डेट लिखी हुई है 30/12/2019 शाम का टाइम लिखा रहा है। सूचना महाकाली नगर पालिका, सफा रखा सबेले सहयोग करें, मनपा चार दारचूला, यानी प्लीज कीप द सिटी क्लीन। तो इस साइड भी मार्केट है और यहाँ पे चेक पोस्ट है नेपाल पुलिस की इधर पे। तो चलते हैं मार्केट की ओर। कहानी ये भी, जो पुल बना हुआ है पुल बहुत ज़्यादा हिलता है, मतलब चलने में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है और नीचे नदी बहती है बहुत भयंकर। तो दिव्यांश ने मेरे को पकड़ लिया, डर के मारे बोला मैं नीचे नीचे गिर जाऊँगा। मैंने कहा नहीं गिरेगा, मैंने कहा चार लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा नीचे। मैं कहा मैं तुम्हें साथ चल, मैं तुमको नहीं डूबने दूंगा नदी में। अब ये है यहाँ की मार्केट। ये कुछ क्लोथ्स की दुकान है, जैकेट वैकेट लटके हुए। और नेपाली भाषा में लिखा हुआ नेपाल, क्या नेपाल में तपई स्वागत छा, मैं नेपाल में आपका स्वागत है। यार ये कितने रुपए का है ये जो है ये ना? हाँ ये 2200 रुपए का है, नेपाली रुपए में। हाँ नेपाली 2200 रुपए का। इधर में क्या है और भी ऐसे कुछ का? एक्चुअली आपने देखा वो बच्चे कोई गेम जीत के आए हुए थे, इसलिए वोटिंग कर रहे थे अपनी, मतलब जीत की खुशी में पूरे शहर के बीच में अपनी जीत की खुशी का इजहार कर रहे थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाली भाषा में,
हमरो यहाँ खाना नाश्ता चिया मासु माछा का साथे बास बसन को समेत उचित व्यवस्था छे। कुछ ऐसे हैं सिंबल। क्या क्या मिल जाएगा? मोमो मिल जाएंगे, मटन चिकन या वेज? चिकन मोमो। कौन है आप लेते हो ऑर्डर? तो काठमांडू जाते कैसे आप? यहाँ से गाड़ी जाती है डायरेक्ट? बस जाती है। कितने दिन लगते हैं? कल सुबह 7 बजे जाएगी बस। और पहुँचेगी कब? परसों को 7 बजे। शाम को सुबह? शाम को, यानी कि 48 घंटे लगते हैं पूरे? 2 दिन लगते हैं। अच्छा तो दिव्यांश और मैंने किया है मोमो ऑर्डर। एक रेस्टोरेंट है, हम बैठे हैं वहाँ पे मोमो खाने के लिए। थोड़ी लाइटिंग कम है, इसलिए लाइट ब्राइटनेस थोड़ी कम रहेगी। तो अभी इसे आके देखते हैं कि स्वाद कैसा है इसका। दिव्यांश को मोमो इतने अच्छे लगे, सूप इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने लिए फिर चाउमीन भी ऑर्डर कर रखी है। तो भाई साहब, दिव्यांश खाने में इतना मशगूल हो गया, इसने मोमो भी खाए, इसने सूप भी पिया, इसने चाउमीन भी खाई, उसके बाद थुपका भी खाया, सब चीज़ मंगाते रहा धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी बना था, थोड़ा इंडिया से उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। और रही बात वहाँ से शॉपिंग की, मुझे तो मेरे साइज का कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा हूँ और नेपाल में जो होते हैं साइज थोड़े छोटे आते हैं, तो मुझे मेरे साइज का कुछ भी मिला। एक चीज़ पसंद आई थी लेकिन वो साइज़ मेरे फिट का था नहीं। और ये खाने में इतना मशगूल था कि हमको वहीं 6:30 बज गए। और जो ये ब्रिज होता है ये मॉर्निंग में खुलता है 6:30 बजे और इवनिंग में 6:30 बजे बंद हो जाता है। जो धारचूला में रह गया वहीं रह जाता है, जो धारचूला में रह गया वो यहीं रह जाता है, और ब्रिज के गेट में लग जाता ताला। उसके बाद मैंने बोला भैया 6:30 बज गए, जल्दी चल, दौड़ लगा के। और मैं बस ब्रिज बंद होने वाला था और हम लोग जल्दीबाजी में यहाँ पहुंचे। हम अकेले ही नहीं, बाकी सब भी दौड़ लगा रहे थे। सभी लोग दौड़ लगा रहे थे जो इंडिया में थे, वो इंडिया से नेपाल की ओर दौड़ लगा रहे थे, जो नेपाल में थे वो इंडियन वो इधर की ओर दौड़ लगा रहे थे। तो हमने वहाँ ब्लॉक खत्म करना था नेपाल मार्केट में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो होटल में आके अपने ब्लॉक को हम करने ख़त्म। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा तो भाई साहब शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।